हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 का देखेंगे, ठीक है। 1 का 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते, ठीक है। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट नंबर में क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए स्टूडेंट, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक, ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से बोल रहा है तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशियंट देखते हैं। इसका कोफिशियंट कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, ठीक है। 1x लिख सकते हैं हम, इसका कोफिशियंट कितना है 1, ठीक है। और ये 10 है, 1 और 10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको और इसको, इसका कोफिशियंट 1 को, इसका कोफिशियंट जो रहता है उसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा, ये आया हम लोग का 10, ठीक है। अब 10 को हम लोग को इस तरह स्प्लिट करना पड़ता है। आप लोग बचपन में स्प्लिट मेथड भी पढ़े होंगे, वही मेथड से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, 7 8 क्लास में। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या इसको कैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना मिल जाए हम लोग को, 3x मिल जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर, अगर हम लोग 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिल जाएगा, ठीक है। 5 2 10 और 10 मिल जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर घटाने पे कितना मिलना चाहिए, ये बीच का मतलब 3, और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का जो हम मल्टीप्लाई किए उतना मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 1 को और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 10 हो गया। अब ये दोनों को ऐसा तोड़ दिए, कैसे, 5 × 2 में तोड़ दिए तो कितना जाएगा 10, और दोनों को अगर माइनस कर देंगे, 5 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो 3 मिल जाएगा। आप लोग इसको नहीं निकालने जानते तो आप लोग एलसीएम लेके निकाल सकते, 2 5 10 ऐसे कर सकते हैं, दोनों का इनटू 10, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ देखिए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए ये हो जाएगा हम लोग का 5x, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, अगर माइनस प्लस माइनस होता है, अगर माइनस 5x में अगर 2x माइनस कर देंगे हम लोग तो कितना बचेगा, माइनस 3x बचेगा, ठीक है। और 5x को और 5 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 10। चलिए अब इसको आगे कैसे बनाएंगे वो देखिए, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, x, ठीक है, x माइनस 5, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 2x, ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x मिलेगा, माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस, और ये किधर कितना है 5 5 2 5 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, और x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से प्लस 2x को ले लिए, कितना हो जाएगा 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिलेगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 5 10, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं हम लोग ना अब कैसे करेंगे, चलिए अब देखिए इसको कैसे करते हैं। एक बार ये जो बाहर वाला कॉमन है उसको लिख लेते हैं x प्लस 2, और एक बार जो अंदर है ना स्टूडेंट, अंदर में देखिए दोनों सेम आना चाहिए, इसे ब्रैकेट के अंदर में x माइनस 5, तो यहाँ पर भी x माइनस 5, तो इस ये दोनों को एक बार लिख दें, ये दोनों का एक बार लिख देंगे और इक्वल टू 0। देखिए दोनों 0 के बराबर, तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 2 को इक्वल टू किधर भेजेंगे तो माइनस 2, और एक्स है इक्वल टू ये माइनस 5 को इक्वल टू किधर भेजेंगे तो प्लस 5, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।